सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैन दोस्तों, बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां, जिन लोगों का 41,520 में सिलेक्शन नहीं हुआ या 49,568 में उनका एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ या उनकी एज नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो इन दोनों एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आएंगी और कब हम इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है जो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2019 की अगर मैं बात करूँ कि 2019 होगी या 2020, ये चीज भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि अगर यहाँ पे यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी की बात करूं कि न्यू वैकेंसी आएंगी या नहीं आएगी, तो सबसे पहले मेरा आंसर होगा यस। यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी 100% आएंगी। इस चीज के लिए पहले भी मैं आपको श्योरिटी दे चुका हूं और अब दोबारा से भी बता रहा हूं कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, 100% श्योर नहीं हूं लेकिन 99.9% मैं इस चीज के लिए श्योर हूं और आप सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा ताकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे जितनी बार जानकारी निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी है नवंबर में 51,000 लगभग न्यू वैकेंसी आ सकती हैं। ठीक है, जितने पर अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं न्यू वैकेंसी का, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन नवंबर 2019 में 51,000 न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है न्यू वैकेंसी के लिए। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा नवंबर में स्टार्ट होगा और रिटन एग्जाम इसका जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो जनवरी 2020 में। यानी आप सभी को तैयारी के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी तक इस चीज का कंफर्म नहीं हो पाया है कि वैकेंसी नवंबर में आएंगी और अभी बिल्कुल चर्चा में भी नहीं है। सडनली अगर नवंबर में जब आपकी भर्ती आएगी और जब आपका एग्जाम जनवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएं। तो जितने और फ्रेशर हैं या जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी जिस भी एग्जाम में आपका चल रहा हो उसका अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एग्जाम में नहीं चल रहा है तो अभी अपनी तैयारी की जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर दीजिए क्योंकि आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है और पूरी उम्मीद है कि जनवरी 2020 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा नवंबर वाली न्यू भर्ती का। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी जो कि आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि जितने बार अभ्यर्थी इस भर्ती का वेट कर रहे होंगे उनके लिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जरूरी है कि हम इस चीज को ध्यान में रख के चले कि हमें इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी, तभी जाके हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल या कोई भी भर्ती से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर हर एक जानकारी सबसे पहले और सबसे सही आपको प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।